नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। 90 के दशक में बिहार में अपराध शिखर पर हुआ करता था। चाहे दिन हो या रात, सुनसान एरिया से निकलते समय लोग हजार बार सोचते थे। लूटपाट, मारपीट, किडनैपिंग, रंगदारी और हत्याओं को कभी भी अंजाम तक पहुंचा दिया जाता था। वहां ये घटनाएं आम हो चुकी थी। इसी दौरान बिहार में एक नाम तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक समय लालू यादव के बेहद करीबी रहे। शहाबुद्दीन के नाम का बिहार में उस दौर में डंका बजता था। ना केवल आम जनता बल्कि बड़े बड़े नेता और पुलिस भी उसके नाम से खौफ खाते थे। शहाबुद्दीन की मर्जी के बगैर बिहार के सीवान जिले में पत्ता तक नहीं हिलता था। किसी भी काम के लिए पहले शहाबुद्दीन से परमिशन लेनी पड़ती थी। सीवान के लोग ने शहाबुद्दीन को साहेब नाम दे रखा था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। उसने सिवान में ही स्कूली पढ़ाई की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद शहाबुद्दीन ने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध की दुनिया से जुड़ने लगा था। 1986 में जब शहाबुद्दीन की उम्र 19 साल की थी तो उस समय उस पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। ये उसकी जिंदगी में क्राइम की पहली सीढ़ी थी। धीरे धीरे कर उस पर और भी केस दर्ज होते जाने लगे। जल्द उसको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया जाता है। शहाबुद्दीन की अपराधों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए उसने राजनीति का दामन पकड़ लिया। 1985 में उसने जिरदोही सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब वो कहां थमने वाला था। क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा था। सिवान का ये डॉन पूरे बिहार में फेमस हो चुका था। ये ही वो दौर था जब शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आ चुका था। हर कोई शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलने से बचता था। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की जरूरत थी। वही शहाबुद्दीन को बड़ी पार्टी का साथ चाहिए था। दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए थी और वो मिल जाती है। यहीं से अपराध के एक नए युग की शुरुआत हुई। 1991 लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इन लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से लालू यादव का साथ तो दिया ही, बल्कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी उसने अहम रोल निभाया। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने उसके कामों में दखल देना बंद कर दिया था। शहाबुद्दीन के अपराधों के आगे मानो पुलिस अपनी आंखें बंद कर लेती थी। सिवान में शहाबुद्दीन की पैरलर सरकार चलती थी। जमीन का बंटवारा करना हो या उससे जुड़ा कोई विवाद हो, सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई काम नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और इन मामलों को वो ही निपटाता था। 1995 में जनता दल की सीट पर उसने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके तुरंत बाद 1996 में उसको लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है, जिसके बाद पहली बार शहाबुद्दीन संसद तक पहुंचा। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया, साथ ही उसकी गुंडागर्दी भी। 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस अपहरण और हत्या में शहाबुद्दीन का हाथ बताया गया। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने की, मगर जैसे तैसे कर उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसमें उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लंबे समय तक वो जेल में रहा। 2004 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को अरेस्ट किया गया था। वो सिवान जिले में था। जेल के अंदर उसकी राजनीति बरकरार थी। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के नाम पर खुद को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिया और वहीं से उसने चुनाव लड़ा। कहते हैं अस्पताल में एक पूरा वार्ड उसको दे दिया गया था। वो वहीं अपने नेताओं से मुलाकात करता और इलेक्शन की रणनीति तैयार करता। शहाबुद्दीन को वार्ड में कड़ी सुरक्षा दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। ऐसा लग रहा था कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का ऑफिस है। 2004 में चुनाव हुआ। शहाबुद्दीन पर 500 से भी ज्यादा बूथ लूटने के आरोप लगे। उस सीट पर दोबारा चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने शहाबुद्दीन को कड़ी टक्कर दी, मगर दूसरी बार भी शहाबुद्दीन को जीत प्राप्त होती है।
जीतने के बाद शहाबुद्दीन ने तहलका मचा दिया। जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी गई। 2004 में ही बिहार में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक दुकानदार चंदा बाबू के तीन बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और दो भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी। अगस्त 2004 में चंदा बाबू किसी काम के सिलसिले में सिवान से पटना गए हुए थे। उसी दौरान शहाबुद्दीन के गुर्के 2.5 लाख रुपयों की रंगदारी मांगने चंदा बाबू की दुकान पर पहुंच गए। कहते हैं उनकी सिवान में दो दुकान थी। चंदा बाबू का एक लड़का जिसका के नाम सतीश था, वो ट्रक से सामान उतरवा रहा था। गल्ले में पैसे पड़े थे तो तभी वहां शहाबुद्दीन की गैंग के आदमी आते हैं और पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। बदमाशों ने सतीश को मारना पीटना शुरू कर दिया। सतीश के दूसरे भाई गिरीश ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की। वहीं तीसरा भाई राजीव अपनी दूसरी दुकान से भागा वहां आता है। शहाबुद्दीन के गुंडों ने तीनों भाइयों को पकड़ लिया और राजीव को खंभे से बांध दिया गया और बाकी दोनों भाइयों को तेजाब से नहलाकर उनको मार दिया जाता है। कहते हैं खंभे से बंधे राजीव को और भी बुरी तरीके से मारने की तैयारी थी, मगर किसी तरह वो वहां से बच बचाकर निकल जाता है। चंदा बाबू अपने दो जवान बेटों की निर्मम हत्या के बाद कोशिश करते रहे कि किसी तरह हत्यारों पर मुकदमा दर्ज हो जाए। उन्होंने एसपी से मिलना चाहा, मगर एसपी ने मिलने से इनकार कर दिया। थाने में गए तो थाना इंचार्ज ने समझाया कि वो सिवान छोड़कर चले जाएं। इसको लेकर चंदा बाबू पटना जाकर तत्कालीन राजद नेताओं से भी मिले, लेकिन सबने मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने दिल्ली में केंद्र की सत्ता से भी मदद मांगनी चाही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। चंदा बाबू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फैसला आने के बाद 2015 में डबल मर्डर केस में चश्मदीद राजीव का भी डीएवी कॉलेज मोड़ के पास गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। कहते हैं 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। चंदा बाबू ने अपनी बुजुर्ग पत्नी, एक विधवा बहू, एक दिव्यांग बेटा और दो बेटियों के साथ कैसे जिंदगी का लंबा सफर पूरा किया, यह सिर्फ वही जानते हैं। दुख बहुत बड़ा था और एक एक दिन काटना बेहद ही मुश्किल था। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामलों में सजा सुनाई जा रही थी। एक दिन पुलिस ने शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी की। छापेमारी में उसके घर से पाकिस्तानी हथियार AK-47, सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए थे। इस घटना ने देश में सनसनी मचा दी थी। शहाबुद्दीन की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी थी। 2009 में कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हीना शहाब को इलेक्शन लड़वाया, लेकिन हीना को चुनाव में हार मिलती है। 2014 में भी उसकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, मगर दूसरी बार भी वो हार जाती है। समय बीत रहा था, वो दिल्ली तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था। शहाबुद्दीन की डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद की सजा बरकरार रखती है। कोविड के दौरान शहाबुद्दीन की एक दिन तबीयत बिगड़ जाती है। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन कोरोना के चलते उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं उस जैसा बड़ा डॉन दूसरा बिहार में नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था। इस तरह बिहार के डॉन का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।